अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ शेख एंड आई वेलकम यू ऑल टू ननकारी बाज़ार। जी हाँ, पिंडी के सबसे पुराने बाज़ार की सबसे पुरानी गलियों में से एक ननकारी बाज़ार, राजा बाज़ार का एक इंटीग्रल पार्ट। यहाँ पे आपको शादी के सामान, बर्थडेज के लिए डेकोरेशंस और एवरीथिंग यू नीड फॉर अ डेकोरेटिव पार्टी आपको मिल जाएगा, स्नो स्प्रे से लेके स्प्रिंकलर्स तक, पार्टी हैट्स, व्हाटएवर यू वांट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस्मान एहसान ज्वेलर्स पे। जैसे मुल्तान में दो भाइयों की मशहूर दुकान तेल वाली बहुत मशहूर है, यहाँ पे इनके पास दे गॉट स्टफ। इसमें एक एलैबोरेट सेटअप है इनके पास और होल सेल में इनके पास चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो चीज़ें आप लोग बाहर से खरीदते हैं वो होल सेल पर कितना एक प्रॉफिट होता है, कितनी एक प्राइस का डिफरेंस होता है। वहीं यहाँ के ओनर से बात करते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं, कुछ इनकी चीज़ें देखते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि कितना डिफरेंस है। तो इस वक्त मैं यहाँ के ओनर उस्मान एहसान ज्वेलरी के ओनर हारून भाई के साथ हूँ। हारून भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा लगा आपके साथ मिलके, क्योंकि आप बड़े कोऑपरेटिव है। बाकी भी हमने यहाँ पर कुछ लोग शाये हैं कैमरा के सामने आते हुए, आपने अच्छे किया आप जो स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा बताएं अपनी शॉप के बारे में। शॉप को हो गए 35 ईयर्स माशाल्लाह, वाले साहब के टाइम की। ठीक है, तो उसके अलावा हमारे पास ज्वेलरी आइटम्स, हेयर एक्सेसरीज, सब चीज़ें आपके पास होल सेल रेट्स पे मौजूद हैं। तो दिखाएं ज़रा आपके पास क्या क्या है प्लीज़। जिस तरह ये बच्चों के हेयरबैंड्स वगैरह दिखाइए। इट्स प्रीटी क्यूट। इसमें डिफरेंट आइटम्स होती हैं, जैसे ये है, ये है, ये मज़े का गूगली आईज वाला। इसके प्राइस बताइएगा सर। इसकी हमारी तकरीबन रेंज वेरी करती है, जैसा 40-50 पर पीस। 50 रुपीस पर पीस? पर पीस 50-60। ये सदर में अगर आप किसी हॉकर से भी खरीदें तो वो 150-200 रुपए का देता है, तो 4 times द प्राइस। यहाँ से मैंने पहले भी आपको लास्ट एपिसोड में भी ये बात करा था कि पिंडी में जो है वो तजारत करना आसान है, इसलिए क्योंकि यहाँ की जो राजा बाज़ार वाली मार्केट है दैट इज़ एसेंशियली द होल सेल मार्केट, और यहाँ से आप चीज़ उठा के सदर में भी जाके बेचें, ना जाए आप 11, ना जाए ना सेंटोरस के सामने बेचें, सदर भी जाके आप बेचेंगे तो यू कैन अर्न अप टू लाइक 4 times द प्राइस। ये यहाँ पे 50 रुपये का है, वहाँ पर 200 रुपये का। चीज़ देख रहा था कि यहाँ पर एक ऐसा मसला है, यहाँ तंग गलियाँ, पुराने साइड का बाजार बना हुआ। अगर यहाँ पे प्रॉपर मार्केट बन जाए तो मेरे ख्याल है एलीट क्लास भी यहाँ पे आके इजीली शॉप कर सकते हैं। अभी भी आते हैं आपके पास? तो रमजान के दिनों में ज्यादा आते हैं कि जिन्होंने ज़कात वगैरह के सिस्टम करने होते हैं, कोई गरीबों में, कोई अपने गाँव शाँव जाके। एक्सेसरीज के आइटम्स है जिसमें हेयरबैंड्स की सारी ऊपर रेंज लगी है, सब एंड तक हेयरबैंड है, जिसमें लड़कों के हेयरबैंड वगैरह भी आजकल चल रहे हैं। अच्छा, ये हेयर एक्सेसरीज जो आपने कहे इसके ऊपर ये बैंगल्स पड़े हुए हैं जी, ये स्टील है? स्टील की। अच्छा, स्टील बैंगल्स जी, ये है। अच्छा, आप क्योंकि मर्चेंट हैं, आपको पता होगा कि मुल्तान की चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, जो कांच की चूड़ी। मैं बेसिकली खुद भी मुल्तान से हूँ। अच्छा, तो ये कांच की चूड़ियाँ तो मैंने पूरी जिंदगी देखी हैं, ये कराची की चूड़ियाँ आ गई हैं। दीज आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। अब ये अनब्रेकेबल हैं जी, दिखाएं जरा इसको। ये एक नया आइटम लेके आया जादू शेख आपके लिए। ओके, इनका क्या होता है पर बंडल आप बेचते हैं? बंडल होता है हमारा। क्या प्राइस होती है बंडल की? ये बंडल है 330 का, 27.5 का एक सेट पड़ता है। ठीक है, आगे रिटेल में 50-60 का बिक जाता है। सही, अपनी अपनी शॉप की बात है कि बाज लोग 100 का ही बेच लेते हैं, वो आप जिस तरह भी प्रॉफिट रखते हैं, हर जगह बंदा जो है वो अपनी जगह के हिसाब से। जी जी जी, ठीक हो गया ये। अच्छा, ये रिंग्स? ये रिंग्स है, ये ज्यादातर इंडियन आइटम्स है। आर्टिफिशियल? जी आर्टिफिशियल, यानी कि गोल्ड प्लेटेड होती हैं या? इनका गोल्ड प्लेटेड आती हैं सारी, तो इनका कलर नहीं जल्दी फेड होता। ठीक हो गया, बहुत रफ यूज में भी 4-5 महीने गुजर जाते हैं। अच्छा, इनके प्राइसेस थोड़े से इनके ये कम रेट के हैं, इसमें कोई 15 रुपीस पीस से लेके 12 रुपए। एक मिनट, यहीं पे ब्रेक लगाएं। 180 रुपए दर्जन, 180 रुपीस पर डजन। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं 1980s में शॉपिंग कर रहा हूं भाई। 180 रुपीस पर डजन कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। तो सही कहते थे कि भाई मैं आई बीन शॉपिंग एट द रॉन्ग प्लेसेस, एट द रॉन्ग गॉडडैम प्लेसेस ऑल द टाइम। When I say this, please don't take it in a negative way. मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ
कि अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू सम चैरिटी, यानी कि आप उन बच्चों में जाके चीज़ें तकसीम करना चाहते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि SOS विलेजेस में, वहाँ पे आप ये चीज़ें दे सकते हैं, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपकी पॉकेट पे भी हैवी नहीं होने वाले. लाइक 15 रुपीज़ ईच, यार आज चॉकलेट महंगी है इस अंगूठी से. तो दिस इज़ द बिजनेस हब ऑफ रावलपिंडी, द रियल बिजनेस हब, के यहाँ पे वो चीज़ जो आपको $1 शॉप पे हम उठा के देखते हैं ना कि यार एक तो सिर्फ 160 रुपये की मिल रही है तो लेट्स बाय इट, और यहाँ पे चीज़ उससे भी कम की होती है और अनबिलीवेबल प्राइसेस. 15 रुपये की एक अंगूठी. मैंने पहले भी ज्वेलरी शोज किए हैं, मैंने पहले भी आउटलेट्स कवर किए हैं. दिस हैज़ बीन हैंड्स डाउन द मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली मार्केट आई हैव सीन सो फार. अच्छा, बर्थडे आइटम्स में आप मुझे बता रहे थे कि डेकोरेशन वगैरह होती हैं, वो क्या चीज़ है? बर्थडे की है, बाकी वेडिंग डेकोरेशन का नहीं है हमारे पास. जैसे बर्थडे में ये स्पार्किंग कैंडल था, ये इसका क्या पैक क्या प्राइस है? पैक 190 का. 190 में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर पीस, 6 स्पार्किंग कैंडल्स फॉर लाइक 190 रुपीज़, राइट? छोटा साइज है वो 50 का मिलता है, जो यहाँ पे तकरीबन 24-25 का पड़ता है. हाफ द प्राइस. अच्छा, ऑल दो कि मैं इस चीज़ के बड़ा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि स्नो स्प्रेज हमारे लिए बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं. किसी को सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कैंडल पास जल रही है तो उसके ऊपर कर देते हैं, इट्स हाईली फ्लेमेबल. तो व्हेन यू यूज इट, बी रिस्पॉन्सिबल. कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये मुझे बताइएगा कि ये एक पैक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, 12 पीसेज हैं जी. ये क्या प्राइस होती है आपके पास यहाँ पे? ये कंपनी का ये कोबरा कंपनी का है उसका क्विक के नाम से. इसमें चाइना का भी आता है, लोकल भी तैयार होता है, हल्का भी होता है. तो ये यानी कि ये अच्छी क्वालिटी वाला है, अच्छी क्वालिटी का है, विद एक्सपायरी ऑन द मेंशन ऑन द बिलो. ठीक है, तो यू कैन सी के इसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है. इसकी क्या पर पीस क्या प्राइस है? 75 रुपीज़ पर पीस. और अगर हम ये बॉक्स लें तो 900 रुपीज़ का. 75, ये कितने का मिलता है आप लोगों को पता है? 300 रुपये का, 200 रुपये का रो के जो है ना, 200 रुपये का, 250 रुपये, 300 रुपये इसकी जो है ना आम रिटेल चल रही है मार्केट में. तो यहाँ से अगर आप ले कर रख लेना ये एक पैक, मेरा ख्याल है अपने सारे बेस्ट फ्रेंड्स, तो आज तो वैसे फ्रेंड सर्कल्स बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे से रह गए, सारे दोस्तों की बर्थडेज भी निपटा लेना, तो आई थिंक आपके पास ना 2 एक्सपायर बच जाएंगे. अच्छा, ऑल दो कि मुझे बाकी सारी चीज़ें आपकी बड़ी पसंद आई, सबसे ज़्यादा आपके मुझे प्राइसेस पसंद आए हैं, लेकिन उसी के साथ मैं जो है ज्वेलरी के बारे में थोड़ी सी और ज्वेलरी देखना चाहता हूँ. आपने बताया था कि एक और शॉप भी है आपके साथ ही है, आए वहाँ चलते हैं, मुझे और देखनी है आपकी ज्वेलरी. तो इस वक्त हम उस्मान एहसान ज्वेलरी की जो ओरिजिनल ज्वेलरी ब्रांच है उस पर पहुँचे. तो हारून भाई आ जाएँ ज़रा, जी दिखाएँ हमें कि आपके पास, और आई एम श्योर कि इस दफ़ा भी आपने मुझे जो है ना वो इंप्रेस करना है प्राइसेस पे. तो दिखाना स्टार्ट करें क्या क्या इसमें. इंडियन आइटम्स भी होती हैं जिसमें गले की माला, चेन, उनके एयरिंग्स, बालियाँ, और चाइना 1 कैरेट के आइटम्स भी हैं, इंडियन 1 कैरेट के आइटम्स भी हैं इसमें. इस तरह के चाइना 1 और इंडियन 1 में क्या फ़र्क होता है? चाइना 1 कैरेट थोड़ी सी लोअर क्वालिटी होती है, इंडियन 1 कैरेट बहुत अच्छी है. ठीक है, ये जो अगर चाइना कैरेट में पड़ गई आपको 90-95 की पर पीस, तो वो इंडियन 1 कैरेट में आपको 200-250 का पड़ा होता है. मार्केट में कितने की बिक जाती है अंदाज़ा बाहर जाकर? 200-250 का पेयर कम से कम बिकता है, यहाँ से 120 का पड़ता है, मुख्तलिफ वेरी करती है. 120 का पेयर हो गया, बाहर जाके 250-300 रुपीज़ का बिकता है, यानी ऑनलाइन में भी ये तकरीबन 500-400 तक सेल हो रहा होता है. उसके अलावा चाइना की और आइटम्स भी हैं जिसमें ये है. यार मेरा दिल ऑनेस्टली चाह रहा है कि मैं ना आपके होल सेल में सामान उठाना शुरू कर दूँ, कोई अपना स्टोर बना लूँ ऑनलाइन जाके, क्योंकि द प्राइसेस आर अमेजिंग. इधर भी प्राइसेस जरा मुझे बताइएगा कि इसमें वैरायटी चेंज होती रहती है फैशन के हिसाब से. जैसा अब ये वैरायटी लगी है, ये है माथा पट्टियाँ. ठीक है, इसमें वेरी इसमें प्राइसेस हैं 60 रुपये पीस से लेके 150 तक जी. एक दफ़ा फिर बताइएगा जी, माथा पट्टियाँ जो हैं वो 60 रुपये पर पीस से लेके 150 रुपीज़ पर पीस. भाई आप लोग प्रॉफिट कैसे कमाते हो अगर ये 60 रुपये का एक बिक रहा है? इस पे क्या प्रॉफिट बचेगा आप? होलसेल में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है, यानी हमें 7-8% मिल जाए तो बहुत होता है, 10% तक मैक्सिमम बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारा अकाउंट होता है 12% तक. कि ठीक है, एक चीज़ हमें 60 रुपये का 12% कितना हुआ? 60 रुपये का 12% तकरीबन आप लगा लें 10 रुपये, तकरीबन 8 रुपये 10 यानी कि आप
बहुत ज्यादा हो तो 10 रुपए पर पीस, बहुत ज्यादा भी अच्छा मार्जिन है तो 20 रुपीज पर पीस हो जाएगा। अच्छा मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, मैं कह रहा था कि फर्ज करें कोई मेरे जैसा वेला आ जाता आपके पास, वो कहते जी मुझे एक ये पीस चाहिए एक, तो या आप सिर्फ बल्क में ऑर्डर लेते हैं या आप एक एक पीस भी दे देते हैं? प्रायोरिटी तो हमारी यही होती है कि हम होलसेल में करें, ठीक है, हम फेयर टू से कि हम एक पीस जब देते हैं तो हम होलसेल रेट पे कभी भी नहीं देते, क्योंकि ये रिटेलर के साथ जाती है कि हम उसको, वो भी कमाने के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो अगर मिसाल तो यहाँ पे कोई चीज जैसा मैंने बताया 60 रुपीज की, तो हम उसे 80 या 100 बताते हैं। ठीक है, अगर फिर यानी कि अगर आप सिंगल बेच रहे हैं तो फिर आप रिटेल वाला प्राइस ही आप, लेकिन हम करते नहीं यहाँ पे रिटेल, यूजुअली आप बल्क ऑर्डर। अच्छा ये मैं देख रहा था कि आपके पास जो है वो बड़े सेट्स पड़े हुए हैं, इनके बारे में बताइएगा, उतार के दिखाएं ये वाला, ये शैंपेन कलर में जो, लुक एट दिस ब्यूटी, इसका क्या प्राइस है? ये ब्राइडल सेट्स में ये 1500 का होलसेल में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ मजाक हो रहा है, लेकिन दिस इज रियल पीपल के 1500 रुपए में आपको जो है ये सेट मिल जाएगा। अच्छा इसमें आपके पास महंगे सेट्स, जो महंगे से महंगा सेट है वो कितने का आपके पास? 2200 मैक्सिमम। इस तरह की अब ये गोल्ड प्लेटेड चूड़ियाँ, ये जो है ये 600 का सेट, 600 रुपीज में कितनी चूड़ियाँ इसमें? 600 रुपए की एक चूड़ी मिल रही है। इसमें मुख्तलिफ है, जैसा ये वाला ये 950 का, और ये वाला सेट है 950 वाले के कितने पीसेस हैं इसमें? इसमें झूमर है, बिंदिया है, इयररिंग्स है और नेकलेस है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा इस तरह का सेट है, ये जो माला सेपरेट भी होती है और सेट सेपरेट भी होता है, अगर कोई पूरा सेट करना चाहता है तो उसमें भी आ जाता है। जो माला है वो 300 की है, पूरा सेट जो है ये 1200 रुपये का, जो ये भी सेम प्राइस है इसके साथ भी। और जो ये वाला सेट है ये भी 1200 रुपये का है विदाउट माला, उसके जो क्रिस्टल की परोई है वो उससे अच्छी है। और बाकी इसके अलावा 2 पीस कड़े भी हैं, क्वालिटी ठीक है, कास्टिंग में है, पित्तल की बनी होती है, कलर इसका जल्दी फेड नहीं होता, और आगे रिटेल में 1000 रुपीज का पेयर सेल हो जाता है, 800-900-1000 तक का सेल हो जाता है। इसके अलावा मेहंदी के गजरे वगैरह भी हैं, इसमें बच्चों का गजरा, बड़ों का गजरा, और उसके अलावा कास्टिंग में इयररिंग्स वगैरह उसकी और भी ज्वेलरी है। ये 320 का पेयर, ये 300 का पेयर, ये वाला पेयर जो है ये 140 का है, और इसमें ये सेट बना होता है, इसमें इयरिंग्स और 7 बिंदियाँ होती है, ये वाला 230 का, और ये खाली झूमर की वैरायटी भी है, खाली झूमर इधर भी हैं, खाली झूमर सिर्फ झूमर सेट ये भी है। ये प्राइस बताते हैं इसकी जी, ये वाला 220 का, ये वाला 250 का, और इसमें इस तरह का झूमर भी है, ये वाला 350 का झूमर में ये भी है, ये भी 250 का, जिसमें डिफरेंट प्राइसेस होती हैं कलर स्कीम के साथ। ये 950 का पेयर है, ये भी खुलने वाला। अच्छा टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू कंक्लूड दिस एपिसोड, क्योंकि जो प्राइसेस पे ज्वेलरी मैंने यहाँ देखी आई नेवर इवन न्यू दैट इट एग्जिस्टेड एट दिस प्राइस। हारून भाई का जो अखलाक था वो बड़ी, आप लोगों के वो प्राइसलेस होती है, तो बड़ा अच्छा लगा हारून भाई आपसे मिलकर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया, इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाजत, शेख को जी इजाजत, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ विद सम न्यू सरप्राइजिंग डिस्कवरीज, देखते रहिए बाजार कर।